वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है दोस्तों सौरभ, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अमेज़ॉन पे आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हो। दोस्तों आप बोलोगे आपकी अमेज़ॉन पर बैंक अकाउंट ऐड करने की क्या ज़रूरत है भाई। तो दोस्तों अगर आप किसी ऑर्डर को आप कैंसिल कर देते हो तो उसका रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएगा जब आपका अकाउंट अमेज़ॉन में ऐड होता है। दोस्तों अमेज़ॉन ऐप से आपको ऐड करना पड़ता है, जब आपका अकाउंट अमेज़ॉन में ऐड हो चुका होता है तो आपका रिफंड जल्दी से मिल जाता है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आपको अमेज़ॉन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा ही, दोस्तों नहीं होगा तो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल से अमेज़ॉन को पे ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ऐसे आपको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद जाना है दोस्तों यूर अकाउंट में। दोस्तों ठीक है, यूर अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मैनेज पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों, अमेज़ॉन पे वाले फंक्शन पे। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने पहले ऐड किया हुआ है मेरा बैंक अकाउंट, और मेरा कार्ड भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है मैंने ऐड किया है मेरा कार्ड। यहाँ पे दोस्तों नीचे मैनेज बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, मेरा वाला पहले से ऐड है, मैं आपको प्रोसेसिंग बता देता हूँ कैसे ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों योर अकाउंट मैनेज योर बैंक अकाउंट फॉर रिफंड। मैंने आपको पहले बोला है रिफंड की बहुत आसानी होती है आप यहाँ से अकाउंट ऐड करते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वाला अकाउंट पहले से ऐड है। अगर आप अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक करना होगा ऐड अ बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे IFSC कोड मांगा जाएगा जो कि आपके आपका बैंक का पुस्तक जो आपका बैंक का पासबुक होता है उस पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एस कर देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है, उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको आपका अकाउंट नंबर पूछेगा, अकाउंट नंबर के बाद आपका नाम डाल देना है और उसको दोस्तों कंफर्म कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।